ज्यादा है और इसीलिए वो इतने पॉपुलर है और मैं समझता हूँ कि वो मुंतकिल हो रहे हैं। शहरयार के कुछ अशआर मैंने कर दिए, जहाँ से उधर जाने को जी चाहता है, कटती है जहाँ से उधर जाने को जी चाहता है, इन दिनों यूं है कि मर जाने को जी चाहता है। और घर में याद आती थी कल दश्त की वसत हमको, कि घर में याद आती थी कल दश्त की वसत हमको, दश्त में आए तो घर जाने को जी चाहता है। और कैसी मजबूरियों लाचारी है इस कूचे में, कैसी मजबूरियों लाचारी है इस कूचे में, जा नहीं सकता मगर जाने को जी चाहता है। और फिर शहरयार कहते हैं कि कुर्ब भी तेरा मैसर हो कह राह दे जहां, कुर्ब भी तेरा मैसर हो कह राह दे जहां, आखिरी हद से गुजर जाने को जी चाहता है। तो शहरयार दरअसल ये इस ऐसी शायरी का नाम है जो एहसास की कंदीलें रोशन करते हैं। बहुत अच्छी बात है आपने कही और बड़ी बहसें चली, जो संवेदनशील आबादी है, हसास आबादी है, उन्हें महसूस करती है। एक शेर बड़ा मशहूर हुआ, आप भी जानते हैं कि घर की तामीर अगर गुफ्तगू हो और इस शेर का जिक्र ना हो तो मैं समझता हूँ कि शायद गुफ्तगू कहीं चर्चा है। वो खुद भी बहुत पढ़ते थे और वो अक्सर मुशायरों में पढ़ते थे और फरमाइश लोग करते थे उनसे कि घर की तामीर तसव्वुर में ही हो सकती है, कि घर की तामीर तसव्वुर में ही हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये जमीन कुछ कम है। या फिर वो ये कहते हैं कि बिछड़े हुए लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, कि बिछड़े हुए लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफी है यकीन कुछ कम है। फिर वो कहते हैं कि अब किधर देखिए लगता है इस दुनिया में, अब किधर देखिए लगता है इस दुनिया में, कहीं कुछ चीज ज्यादा है कहीं कुछ कम है। तो ये फिर यार, और जैसा कि आपने कहा तो मैंने उनके अशआर भी सुना है कि एक शेर जो पढ़ा करते थे इसी अक्सर खासतौर से जिंदगी के आखिरी दौर में, जिंदगी मेरी अदा आज तक समझा नहीं, मेरी दुनिया क्यों बदल दी मुझको क्यों बदला। शायद मैं गलत पढ़ रही हूँ, हल्कत लग रहा है निजाम साहब, गलत है ना ये? ठीक, मामूली से गलती है क्योंकि वजन सुनने में मुझे फिर पढ़ा जाते हैं। अब आपकी इंसेंस की, हाँ आपकी आपसे सब। एक नज़्म पढ़ के सुना बदल के बंद। मैं हिसारे आरज़ू में मुतमईन था, तुमने याद आके बदल के बंद खोले, आओ मैं तुम पर हविस असरार खोलूं, लब तराजू में तुम्हें तादेव तो आखिरी सिसकी तलक मैं चुप रहूं और कुछ न बोलूं, बस इसी एक काम में मशाक हूं। वाह वाह वाह, अच्छी तरह। एक और इजाजत हो, एक और छोटी सी नज़्म पढ़ूंगी, हैरान करने वाली एक बात है। अच्छा वो उनवान भी दिया करते थे क्योंकि जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें शौक था, बहुत शौक था हर नज़्म का और वो उनवान बहुत दिलचस्प। एक चीज उनवान के हवाले से और कहना चाहूंगी कि जब मैं ये किताब लिख रही थी तो मुझे मौका मिला उनके एडिटोरियल्स पढ़ने का, जब वो एमए करके निकले थे और मैं यूनिवर्सिटी में नौकरी तब तक नहीं ली थी, तो वो हमारी जबान जो उर्दू का रसाला था उसमें सब एडिटर थे, तो सब एडिटर के तौर पे वो एक छोटा सा एडिटोरियल नुमा चीज लिखते थे। असल एडिटोरियल तो शुरू से आप लिखा करते थे, लेकिन उनके पास एक पेज था जिसमें वो कुछ एडिटोरियल टाइप की चीजें लिखा करते थे। तो एडिटोरियल तो यंग इंसान के हिसाब से ठीक ही थे, लेकिन उनके टाइटल्स बहुत दिलचस्प थे। और एक और बात ये लगी कि वो टाइटल्स बाद में, यानी 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद उन्होंने
recycle. And 30 years later, 40 years later, he uses it, weaves it into his poetry. So somewhere it's there in his head. अब कब उन्होंने उसका इस्तेमाल सोचा ये अपने आप में क्या ये बात पढ़े हाँ जी जी इसका नाम है हैरान करने वाली एक बार डूबती शाम के उस पार खड़े थे जो लोग हमने इन आंखों से देखा है कि उन लोगों की मुट्ठियां बंद थी ये वे कहां से आए ये कुछ हाइकू नुमा गजलें हैं मैं कह नहीं सकती कि शहरयार ने वाकई हाइकू शायरी पढ़ी थी कि नहीं मैं कह नहीं सकती कि ये ऑर्गेनिक तरीके से शहरयार के पास आई लेकिन हमारा हाइकू के असर हमें अक्सर मैं चुके ये कुछ इशारे हाँ कुछ इशारे हो गए इससे बात निकलेगी तो फिर दूर तरफ जाएगी और वक्त कब खत्म होता है लेकिन चुके जिक्र आया था और नज़्म छोटी छोटी क्योंकि उनकी नज़्म ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड या 1 मिनट पढ़ी जाती है एक नज़्म है छोटी सी परछाइयाँ कि रात के बेकरार सहरा में रात के बेकरार सहरा में अपनी तन्हाइयों से लड़ती हूँ रात के बेकरार सहरा में अपनी तन्हाइयों से लड़ती हूँ जख्मी जिस्मों के जख्मी और प्यासे जिस्मों की सारी परछाइयाँ शहीद हूँ ये खबर ताज़ा रोजनामे की ये खबर ताज़ा रोजनामे की किस वरक पर छपी थी याद नहीं और एक और छोटी सी नज़्म जो मैं चाहता हूँ कि मैंने क्योंकि प्रोग्रेसिव इस पर गुफ्तगू हो रही थी तो उस नौयत की शायद ये नज़्म कहीं हो के और आपने सही कहा कि वो हर नज़्म को उनवान दिया करते थे हालांकि कई बार ऐसा महसूस हुआ उनकी नज़्मों को पढ़ते कि शायद ये बहुत ज़रूरी नहीं था लेकिन वो इसका इंतज़ाम करते थे तो इसका भी उनवान दिया उन्होंने बरहमी का इजहार कि आंसुओं और आँखों से नहीं होता दूसरों को बुरा साबित करने की सब कोशिश रायगा जाएगी आंसुओं और आंखों से नहीं होता दूसरों को बुरा साबित करने की सब कोशिशें रायगा जाएंगी कि तुमने अपनी नफरतों की मुनासिब निगहदाश्त नहीं की कि तुमने अपनी नफरतों की मुनासिब निगहदाश्त नहीं की इसीलिए तुम बेहिस हो और आंसुओं और आंखों के सहारे दूसरों से रहम तलब करते हो इस तरह तुम अपनी बरहमी का इजहार नहीं करते बल्कि उसे छुपाते हो और आखिर में तो शेर उनका जरूरी है कि मैं फंस गया हूँ कहीं रेत के भंवर में क्या मैं फंस गया हूँ कहीं रेत के भंवर में क्या तेरी मदद का जो मोहताज आज इतना हूँ ये रास्ते भी घने जंगलों से गुजरेंगे मैं इस सफर में इसी वास्ते अकेला बहुत शुक्रिया से शायद यही वजह है कि 70 साल तक एक शख्स को आप कह सकते हैं कि वो अपने वक्त की आवाज है 1965 में जब इसमें आजम आती है तो उनके बारे में कहा जाता है कि अपने वक्त के शायर हैं लेकिन मुसलसल साल दर साल जो शख्स वक्त का शायर कहलाए उसके पास कोई एक हुनर है तो वो आपको समझता है और शायरी में काम करता है शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जो आप तालियां बजा सकते हैं इन्हें विदा करें